नमस्कार मित्रों, सीपी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी 12 बड़ी खबरें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है सीकर से, रीट भर्ती 2020। 11 लाख बेरोजगारों को है विज्ञप्ति और लेवल 2 के पैटर्न जारी होने का इंतजार। 5 माह बाद भी रीट की विज्ञप्ति व लेवल 2 का पैटर्न जारी नहीं। सीकर से आज की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि 2 अगस्त 2020 को रीट एग्जाम होगा। बाद में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट एग्जाम 2 सितंबर को होगा। 5 महीने बाद भी न तो रीट को लेकर विज्ञप्ति जारी हो पाई और न ही रीट लेवल 2 का पैटर्न जारी किया गया। ऐसे में 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में हैं, वे ठीक से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी रीट में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की भी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने रीट 2018 में चयनित 26,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रोकने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। बड़ी खबर आज रीट परीक्षा से जुड़ी। अगली बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से, विसंगति 54,000 व्याख्याता के लिए मात्र 8,000 लेकिन 3,500 प्राध्यापक के लिए 4,000 पद। बड़ी खबर, अटकी डीसीपी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए डीपीसी को लेकर उलझन में सरकार। अगले सप्ताह जारी हो सकता है साक्षात्कार और लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर। फुल कमीशन की बैठक में सब साक्षात्कार और 3 परीक्षाओं के पैटर्न बदलाव पर चर्चा। अजमेर से बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह साक्षात्कार और लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर सकता है। अजमेर से बड़ी खबर आज की, संख्यात्मक अनुपात और योग्यता के अनुसार सीधी भर्ती की उठाई मांग। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद 100% व्याख्याता और माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद से पदोन्नति लेकर भरने का शिक्षकों ने विरोध जताया। मोबाइल पर होनी थी ऑनलाइन परीक्षा, साइट क्रैश, 1.25 लाख शिक्षक परेशान। जयपुर से बड़ी खबर आज की, शिक्षा विभाग ने कनिष्ठ लिपिकों से मांगा जिला आवंटन का विकल्प। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, एलडीसी भर्ती 2018 में नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनितों के लिए अब नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, टीएसपी नॉन टीएसपी समूह के अनुदेशक सर्वेयर सहायक शिक्षुता ग्रुप 2 का परीक्षा परिणाम घोषित। अजमेर से बड़ी खबर, परीक्षा परिणाम को लेकर सैनिकों से मांगे विभागों के विकल्प। जयपुर से बड़ी खबर, प्रशासनिक सुधार विभाग ने एलडीसी भर्ती 2018 में बैकलॉग की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों से विभागों का विकल्प मांगने की शुरुआत कर दी है। बड़ी खबर एलडीसी भर्ती से जुड़ी, सहायक रेडियोग्राफर के 1,058 पदों पर भर्ती के लिए 420 छात्र पात्र। अच्छी खबर, सरकारी नियुक्तियों की रफ्तार हुई तेज, 1119 लैब टेक्नीशियन होंगे नियुक्त। बड़ी खबर जयपुर से, ऐसे कर सकते हैं सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा। बड़ी खबर सहायक रेडियोग्राफर भर्ती से जुड़ी, एम्स के 5 एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड हुए जारी। जयपुर से बड़ी खबर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 4 अक्टूबर व मेंस 8 जनवरी 2021 को। जयपुर से बड़ी खबर यूपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी, नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी करवाने के लिए सौंपा ज्ञापन। जालौर से बड़ी खबर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में वर्ष 2013 को चिकित्सा विभाग में 15,773 नर्स ग्रेड 2 एवं 12,278 महिला स्वास्थ्यकर्ता की विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें सभी चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी हो गए, लेकिन उसके बाद भर्ती बोनस अंकों के विवाद को लेकर कोर्ट में चली गई थी। बड़ी खबर जालौर से, नर्सिंग भर्ती को लेकर पदोन्नति में एससी एसटी बैकलॉग भरने की मांग। शाहपुरा से बड़ी खबर, प्रदेश भर के छात्रों की प्रमोट की आवाज बुलंद, 2.5 लाख ट्वीट कर ट्विटर टॉप ट्रेंडिंग में लाए। बड़ी खबर छात्रों के लिए, दोस्तों आज हमने इस वीडियो में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों के बारे में आपको बताया। डेली ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।